जय हिंद दोस्तों, विंग्स इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट लेक्चर नंबर 5 में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको पैरामीशियन का क्या होता है, मार्फोलॉजी क्या होता है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन सब के बारे में हमने क्या किया था, विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। उसके बाद हमने बताया था इसका लोकोमोशन कैसे होता है, सिलिया के थ्रू कैसे होता है, फिर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू कैसे होता है, इन सब के बारे में हमने क्या किया था, एकदम अच्छे से स्टडी किया था। आइए इसमें हम जानते हैं कि इसमें न्यूट्रिशन ऑफ पैरामीशियम या फिर फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या जानेंगे, डिस्पायरेशन कैसे होता है, एक्सक्रेशन कैसे होता है, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक उसका रिप्रोडक्शन जानेंगे। इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन कैसे होता है पैरामीशियम में, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है या फीडिंग मैकेनिज्म। देखो न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है पैरामीशियम में, जो सिलिया होता है इसमें हम आपको देखो ओवरली ऐसे बता दे रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे क्या करेंगे प्रोवाइड कर देंगे। देखो इंगेशन में क्या करता है, सिलिया क्या करता है, जैसे ये तुम्हारा क्या है पैरामीशियम है, पहले सिलिया क्या करता है फूड, देखो किसी भी देखो अगर पैरामीशियम को अगर फूड की रिक्वायरमेंट होगी, अगर फूड का रिक्वायरमेंट होगा तभी क्या करता है वो सिलिया के थ्रू क्या करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है भोजन के लिए, भोजन के लिए जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान से, फिर सिलिया को क्या करता है, सिलिया के थ्रू क्या करता है फूड को क्या करता है ओरल ग्रुप के क्या करता है पास लाता है, कहाँ लाता है ओरल ग्रुप के क्या करता है पास लाता है, और यहाँ से ओरल ग्रुप के थ्रू तुम्हारा फूड कहाँ जाता है अंदर जाता है, ओरल ग्रुप के थ्रू फूड तुम्हारा कहाँ जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से तुम्हारा कहाँ आता है अंदर आता है, और जब अंदर आ जाता है देखो अंदर आ जाता है तो क्या होता है, क्या होता है थैली, ये थैली नुमा संरचना क्या होता है पैक हो जाते हैं, थैली नुमा संरचना पैक हो जाता है फूड तुम्हारा, इस थैली नुमा पर संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं फूड वैक्यूल, इस थैली नुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं। पहले क्या करता है सिलिया करता है भोजन को अपने पास लाता है ओरल ग्रुप के पास, ओरल ग्रुप क्या करता है उसको बगल कैविटी के थ्रू कहाँ ले आता है एंडोप्लाज्म में, कहाँ ले आता है एंडोप्लाज्म यानी कि इसके जो साइटोप्लाज्म है उसमें ले आता है, उसमें जो फूड होता है किसमें थिन मेम्ब्रेन में क्या होता है पैक हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं फूड वैक्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको फूड वैक्यूल बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम इंगेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंगेशन बोलते हैं। अब उसके बाद डाइजेशन क्या होता है, देखो डाइजेशन कैसे होता है, ये जो तुम्हारे फूड पार्टिकल है ये क्या करता है, ये जो तुम्हारे फूड पार्टिकल है इसमें क्या होते हैं ढेर सारे क्या होते हैं एंजाइम होते हैं, जैसे तुम्हारा लाइपेज एंजाइम हो गया, उसके बाद तुम्हारा डिहाइड्रोलाइज एंजाइम हो गया, बहुत सारे क्या होते हैं एंजाइम होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है ये जो भोजन होता है उसका क्या होता है पाचन होता है, ये जो भोजन होते हैं क्या होता है इसका पाचन होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस आता है, एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन एंजाइम द्वारा जो क्या करता है देखो एंजाइम के पहले देखो डाइजेशन में एक और प्रोसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइक्लो, क्या बोलते हैं साइक्लोस्ट्रोन, देखो वो क्या करता है देखो भोजन देखो फूड वैक्यूल में क्या हो गया पैक हो गया, अब फूड वैक्यूल क्या करता है ये क्या करता है एक निश्चित पाथवे में, एक निश्चित पाथवे में क्या करता है भोजन को क्या करता है घुमाता रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है भोजन का क्या होता रहता है पाचन होता रहता है। जैसे हम लोग भोजन जब करते हैं तो हम लोग देखो पहले भोजन करते हैं तो क्या करते हैं पहले खाना खाते हैं यहाँ से मुख से खाते हैं, फिर क्या करते हैं दांत के थ्रू क्या करते हैं उसको चबाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं निगलते हैं, उसको फैगस के थ्रू कहाँ जाता है तुम्हारा अस्टमक में जाता है, अस्टमक में फिर क्या करता है 4 से 5 घंटे के लिए खाना रुकता है अपने अस्टमक में, उसके बाद क्या करता है खाना वहां से तुम्हारा कहाँ जाता है छोटी याद में जाता है, छोटी याद में क्या होता है मैक्सिमम क्या होता है एग्जॉशन होता है, मैक्सिमम एग्जॉशन तुम्हारे कहाँ होता है छोटी याद में होता है, फिर छोटी याद से खाना कहाँ जाता है तुम्हारा बड़ी याद में जाता है, कहाँ जाता है बड़ी याद में जाता है, और बड़ी याद में क्या होता है सिर्फ जल का क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं एनएस के थ्रू क्या होता है बाहर निकल जाता है। इसी तरह इनका भी प्रोसेस होता है, इनमें भी इंगेशन होता है डाइजेशन होता है एब्जॉर्प्शन होता है एसिमिलेशन होता है और इंगेशन होता है। देखो तुम्हारा देखो क्या करते हैं फूड पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक निश्चित वे में क्या करते हैं घूमते रहते हैं, और फिर जब खाना तुम्हारा पच जाता है तो ही खाना क्या करता है तुम्हारा साइटोफेज के थ्रू, किसके थ्रू साइटो कल बताया था ना साइटोफाइज, इसके थ्रू क्या करता है बाहर निकल जाता है, इसके थ्रू क्या करता है खाना जो तुम्हारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि जो तुम्हारा अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल होता है वो क्या करता है बाहर निकल जाता है। पहले तो देखो जो सिलिया होता है ओरल ग्रू होता है वो क्या करता है स्मॉल पार्टिकल को क्या करता है स्मॉलेस्ट फूड पार्टिकल को क्या करता है अपने अंदर लेता है, और फिर बगल कैविटी के थ्रू कहाँ आता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म यानी कि एंडोप्लाज्म में आता है, यहाँ क्या बनाता है फूड वैक्यूल बनाता है, और यही फूड वैक्यूल तुम्हारा एक निश्चित पाथवे में घूमता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं
सॉरी फॉर दैट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। इसमें खाना तुम्हारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक निश्चित पाथवे में घूमता रहता है और फिर तुम्हारे अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल क्या होते हैं? बाहर निकल जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें जो खाने में तुम्हारे मैक्सिमम फूड पदार्थ जैसे तुम्हारे हम लोग खाते हैं तो क्या होता है? विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स जो भी पदार्थ होते हैं क्या होता है? उनका एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? इसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? जितने भी तुम्हारे फूड पार्टिकल या फिर जितने भी तुम्हारे प्रोटीन्स, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट जो क्या करते हैं एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में, वो क्या करता है? एक स्थान से बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जिससे क्या होता है? हमारा शरीर क्या करता है? ग्रो करता है। इसी प्रकार सीलिया का जो भी मतलब पैरामीशियम का जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? ग्रो करता है। एसिमिलेशन के थ्रू क्या करता है? ये जो तुम्हारा सीलिया क्या है, अरे पैरामीशियम का जो बॉडी है क्या करता है? ग्रो करने लगता है। उसके बाद इंगेशन क्या होता है? इंगेशन में तुम्हारा क्या होता है? जो अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल होता है, जो अनडाइजेस्टिव क्या होता है? अनडाइजेस्टिव तुम्हारा जो फूड पार्टिकल होता है वो क्या करता है? साइटोफेज के थ्रू क्या करता है? बाहर निकल जाता है। किसके थ्रू? साइटो। इसके थ्रू क्या करता है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है। शरीर के थ्रू क्या करता है? ये बाहर निकल जाता है। अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल जितने होते हैं तुम्हारे वो क्या करता है? साइटोफेज के थ्रू क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ये प्रोसेस तुम्हारा क्या है? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, यानी कि इसी प्रकार से क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है पैरामीशियम में। यही तुम्हारा फूड मैकेनिज्म भी है, फीडिंग मैकेनिज्म भी यही है। क्या करता है? सीलिया अंदर लेता है भोज्य पदार्थ को, फिर इसको साइक्लोसिस के थ्रू अंदर घुमाता है, फिर बाहर निकालते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम यानी कि फीडिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। देखो इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, नहीं तो अगर हम नोट्स दिखाने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप इसका हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए हल्का सा। आइए देखते हैं रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन के बारे में। रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन के बारे में देखो, जो पैरामीशियम होता है उसमें रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बॉडी सरफेस के थ्रू तुम्हारा क्या होता है? रिस्पायरेशन है, यानी कि तुम्हारा H2O या फिर O2 मॉलिक्यूल क्या करता है? बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करता है? अंदर जाता है, और उसमें से जो तुम्हारे एक्सक्रेशन के थ्रू तुम्हारा जो NH3 निकलता है या फिर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि जो ऐसी गैसें हानिकारक गैसें निकलती हैं उनकी किसके थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करती है? वो बाहर निकल जाती है। तो रिस्पायरेशन किसके थ्रू होता है? तुम्हारा बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। अब देखो एक्सक्रेशन किसके थ्रू होता है? एक्सक्रेशन किसके थ्रू होता है? तो तुम्हारा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। देखो रिस्पायरेशन किसके थ्रू होगा? बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस और एक्सक्रेशन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, इसके थ्रू क्या होता है? तुम्हारा एक्सक्रेशन होता है। देखो इसमें दो प्रकार कहाँ, एक देखो एक क्या है? इंटीरियर, एक है पोस्टेरियर। देखो इसमें दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं तुम्हारे? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, एक इंटीरियर पार्ट पे पाया जाता है, एक पोस्टेरियर पार्ट पे पाया जाता है। देखो यहाँ पर जो होता है, देखो यहाँ पर जो तुम्हारा वैक्यूल है वो क्या हो गया है? सिस्टोलिक हो गया है, यानी कि क्या है ये? सिस्टोलिक की वैल्यू है इसमें, यानी कि सबसे कम मतलब इसमें जो तुम्हारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? बाहर निकल चुके हैं इस समय। इस समय क्या है? ये जो तुम्हारा वैक्यूल हो गया है पिचक गया है, यानी कि सिकुड़ गया है। और जो तुम्हारे रेडियल कैनाल है वो क्या है? डायस्टोल, यानी कि फूल गया है। इसमें तुम्हारे जो जितने भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है इसमें आ गए, तुम्हारे किसमें आ गए? रेडियल कैनाल में आ गए। और यह तुम्हारा पोस्टेरियर पार्ट पे देखेंगे तो यहाँ तुम्हारा जो वैक्यूल क्या है एकदम फूल यानी कि भरा हुआ है। इसमें मतलब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जितने भी हैं वो क्या है? एकदम भरे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल हो गया है। ये क्या है? डायस्टोल है। और इसमें रेडियल कैनाल क्या है? सिस्टोलिक है, यानी कि इसमें से सब मतलब रेडियल कैनाल से तुम्हारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट निकल के किसमें चले गए हैं? तुम्हारे फूड वैक्यूल में। ये क्या करता है? ब्रस्ट करता है, यानी कि टूटता है। ये जो तुम्हारा है ये टूट जाता है, जो तुम्हारा यहाँ का वैक्यूल है ये क्या करता है? ब्रस्ट कर जाता है। तो इसमें से जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं तुम्हारे क्या करते हैं? बाहर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, जैसे CO2 हो गया या NH3 हो गया। ये क्या करते हैं? बाहर आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म में तो बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इस पूरी घटना को क्या करते हैं? एक्सपायरेशन और एक्सक्रेशन में क्या करते हैं? काउंट करते हैं। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे,
फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन देखते हैं। देखो इनमें पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है, एक एसेक्सुअली होता है, एक सेक्सुअली होता है। एसेक्सुअली किसके थ्रू होता है? एसेक्सुअली तुम्हारा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। और तुम्हारा जो सेक्सुअली होता है वो कंजुगेशन के थ्रू होता है, या फिर एंडोमिक्सिस, या फिर ऑटोगैमी के थ्रू होता है। एंड ऑल्सो द अंडरगोज सेवरल टाइप ऑफ न्यूक्लियर एक्सचेंज। न्यूक्लियर एक्सचेंज को कमनली भाषा में क्या बोल देते हैं? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो कितने प्रकार का पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन होता है? दो प्रकार का, एक तुम्हारा एसेक्सुअल, एक तुम्हारा सेक्सुअल। एसेक्सुअल में तुम्हारा ट्रांसवर्स क्या आएगा? बाइनरी फ्यूजन आएगा। और सेक्सुअल वाले में तुम्हारा कंजुगेशन, एंडोमिक्सिस, ऑटोगैमी, ईटीसी, ये सब प्रकार के आएंगे तुम्हारे किसमें? सेक्सुअल वाले में। आइए जानते हैं किसके बारे में? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के बारे में। देखो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? ट्रांसवर्स क्या होता है? जो बगल बगल से तुम्हारा बाइनरी फ्यूजन हुआ उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल माने जो सीधा सीधा, मतलब ये क्या है, जैसे इधर देखो ये सब क्या है? ट्रांसवर्स है। इस प्रकार से हो रहा है तो क्या है? ट्रांसवर्स है। अगर ऊपर नीचे से होता है क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। चलिए जानते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के बारे में। पैरामीशियम काउडेटम रिप्रोड्यूस बाय द ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो क्या करता है पैरामीशियम? क्या करता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। इन बाइनरी फ्यूजन द माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड इन बाय द माइटोसिस। यानी जो माइक्रो न्यूक्लियस तुम्हारा ये होता है किसके थ्रू डिवाइड होता है? माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है। और जो तुम्हारा माइक्रो न्यूक्लियस है, जो तुम्हारा ये क्या है? तुम्हारा माइक्रो है, माइक्रो। और ये वाला क्या है तुम्हारा? माइक्रो, बड़ा वाला माइक्रो न्यूक्लियस क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस। जगह नहीं इसलिए, चलो समझ लो आप लोग। तो क्या करता है? देखो जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है डिवाइड होता है माइटोसिस के थ्रू इनटू टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई। टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। विच मूव अपोजिट पोल, क्या करते हैं? एक दूसरे क्या करते हैं? अपोजिट पोल पे हो जाते हैं एंड ऑफ द सेल। इसके बाद माइक्रो न्यूक्लियस होता है इलांगेट डिवाइड बाय द ट्रांसवर्सली बाय माइटोसिस। ये किसके थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू। ये क्या होता है? माइटोसिस के थ्रू होता है। द रिजल्टिंग ऑफ द टू डॉटर सेल, द रिजल्टिंग ऑफ टू डॉटर सेल ऑफ पैरामीशियम आर इक्वल इन साइज। जो भी तुम्हारे टू डॉटर सेल बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल इन साइज होते हैं। यहाँ पे देखो साइज थोड़ा डिफरेंस हो गया है, वो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया, नहीं इक्वल साइज में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। उसके बाद द रिजल्टिंग टू डॉटर सेल पैरामीशियम आर इक्वल इन साइज। इच कंटेनिंग ए सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स, वो क्या करते हैं? दोनों क्या करते हैं? एक सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स रखते हैं। मतलब इसके पास भी माइक्रो न्यूक्लियाई, इसके पास भी तुम्हारा माइक्रो न्यूक्लियाई, उसके बाद तुम्हारा साइटोफेज, उसके बाद तुम्हारा ओरल ग्रू, उसके बाद ये सब क्या करते हैं? दोनों में इक्वली डिवाइड होते हैं। उसके बाद पैरामीशियम काउडेटम डिवाइड इनटू टू टू थ्री टाइम्स इन अ डे, एक दिन में दो से तीन बार क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। द प्रोसेस इज कम्प्लीट अबाउट इन 30 मिनट, क्या करता है? 30 मिनट में प्रोसेस क्या हो जाता है? कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन सेपरेशन ऑफ द डाटर सेल डाटा पैरामीशियम टेक्स अबाउट द 1 आवर्स या फिर मोर। मतलब 30 मिनट में तुम्हारा माइटोसिस मियोसिस वाले प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसका सेपरेशन होने में क्या करता है? एक से एक घंटे से लेकर कुछ और घंटे तक समय लग सकता है। देखो ये सब क्या हो रहा है, इस प्रोसेस को समझते हैं। पहले जो तुम्हारा ये क्या है? पैरामीशियम है, ये तुम्हारा माइक्रो न्यूक्लियाई, ये तुम्हारा मैक्रो है, ओरल ग्रू है, ये सब क्या है? बकल कैविटी, फूल वैक्यूल, ये सब क्या है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये सब क्या होता है? देखो जब यहाँ आता है तुम्हारे सेकेंड स्टेप में, यहाँ पर तुम्हारा जो ओरल मतलब ओरल ग्रू है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? डिसिपियर होने लगता है। क्या होने लगता है? धीरे धीरे तुम्हारा क्या होता है? डिसिपियर होने लगता है। और यहाँ पर डिवीजन इसका स्टार्ट हो जाता है, ये माइटोटिकली डिवाइड होता है, ये माइटोटिकली डिवाइड होता है। उसके बाद डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। जब डिवीजन होता है तो क्या करते हैं? जो माइक्रो न्यूक्लियाई होते हैं अपोजिट पोल पे क्या होते हैं? चले जाते हैं। और क्या करते हैं? अपोजिट पोल पे जाकर धीरे धीरे क्या करते हैं? ए माइटोटिकली डिवाइड होकर दोनों दोनों क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? देखो उसके बाद अलग हो जाते हैं तो दोनों क्या करते हैं? एक सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स का निर्माण करते हैं। और फिर क्या करते हैं? इक्वली क्या करते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए आइए जानते हैं कंजुगेशन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कंजुगेशन के बारे में। देखो कंजुगेशन कैसे होता है,
देखो कंजुगेशन क्या होता है इसको जानते हैं। पैरामीशियम अंडर गो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनामिना, पैरामीशियम अंडर गो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनामिना इज कॉल्ड कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या होता है? कंजुगेशन एज ए डिफाइन, कंजुगेशन इज अ डिफाइन एज टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, टेम्परेरी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल विच म्यूचुअली एक्सचेंज माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल। वो क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, अपना जो माइक्रो न्यूक्लियर यानी कि उसका जो न्यूक्लियस होता है क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। इट इज द यूनिक टाइप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है, एक यूनिक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, विच टू ऑर्गेनिज्म सेपरेट सून, क्या करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। वो अपने मतलब अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करने के बाद क्या करते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, डॉटर न्यूक्लियर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और क्या करते हैं, देन फॉर्म डॉटर न्यूक्लियाई, देन फॉर्म डॉटर न्यूक्लियाई, वो क्या करते हैं और डॉटर सेल का निर्माण करते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई के क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ फैक्टर क्या होते हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं इसके लिए क्या करते हैं, कुछ फैक्टर या कंडीशन क्या होते हैं, लागू होते हैं। जैसे तुम्हारा क्या होता है, एडवर्स कंडीशन में रहता है यानी कि फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, कंजुगेशन की प्रोसेस नहीं होता, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है तुम्हारा, बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस होता है। उसके बाद इसके लिए कुछ मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए, मिनिमम क्या करते हैं, टेम्परेचर चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद तुम्हारा क्या चाहिए, इसेंशियल क्या करता है, लाइट भी चाहिए, क्या चाहिए, लाइट चाहिए। उसके बाद देखो तुम्हारा ये प्रोसेस देखो कैसे होता है, इसको आइए समझते हैं थोड़ा सा, क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल क्या करते हैं, एक साथ आते हैं और जुड़ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, कंजुगेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजुगेट। आपको ये शायद लिखा हुआ दिखाई ना दे अच्छे से, इसलिए हम आपको बोल दे रहे हैं, आप स्पेलिंग लिख लीजिएगा। ये क्या करते हैं, दो संतति जब पास आते हैं तो उसको, मतलब दो इंडिविजुअल पास आते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने माइक्रो न्यूक्लियाई को, क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, एक से दो माइक्रो न्यूक्लियाई यानी माइटोसिस के थ्रू क्या करते हैं, एक से दो माइक्रो न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर जो तुम्हारा माइक्रो वाला है, बड़ा वाला तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है, क्या होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने यानी कि गायब होने लगता है धीरे धीरे। और फिर दो से क्या होता है, चार माइक्रो मतलब चार डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई की क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखो जो तुम्हारा ये बड़ा वाला था माइक्रो वाला, वो गायब हो गया धीरे धीरे, ये क्या करता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लिया यानी कि जो तुम्हारे चार डॉटर न्यूक्लिया इसके और चार डॉटर न्यूक्लिया इसके से धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, तीन इसमें से क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, एक एक बचता है दोनों का, वो क्या करते हैं, माइग्रेटिंग करते हैं, उसमें का इसमें आता है और इसमें का उसमें चला जाता है। उसके बाद कहते हैं जायगोट न्यूक्लियस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, क्या करते हैं, जायगोट न्यूक्लियस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और फिर एक्सो कंजुगेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्सो कंजुगेट बनाते हैं, यानी कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब ये दोनों ही क्या करते हैं, फिन से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, फिन से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करके क्या करते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि डॉटर पैरामीशियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक से देखो इसके बाद हम एक से दिखा रहे हैं, इसके बाद दोनों से होगा तो फोर डॉटर इसका, फोर डॉटर इसका, यानी कि एट डॉटर पैरामीशियम का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो ये तुम्हारा क्या है, टू एन है यानी कि जायगोट क्या है, इससे तुम्हारा फर्टिलाइज है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, टू डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण होता है, टू डाटर न्यूक्लियस से फिर चार डाटर न्यूक्लियस, चार डाटर से फिर आठ डाटर न्यूक्लियस और यहाँ पर तुम्हारा चार माइक्रो न्यूक्लियस का निर्माण होता है, चार माइक्रो और तीन यहाँ पर तुम्हारा जो होता है डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियस हो जाता है, यानी कि तीन तुम्हारा गायब हो जाता है, एक ही बचता है और वो किसके थ्रू, माइटोटिक डिवाइस के थ्रू क्या होता है, अलग होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप बनने स्टार्ट हो जाता है, ग्रुप के थ्रू क्या करते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, एक इसमें आ जाता है, एक इसमें आ जाता है और फिर ये क्या करते हैं, ये भी डिविजन के थ्रू क्या करते हैं, दो दो क्या करते हैं, डॉटर पैरामीशियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक इससे एक, एक इससे बनता है दो और इससे भी क्या बनता है, दो बनता है। इसी तरह तुम्हारा ये दोनों लेंगे तो तुम्हारा आठ डॉटर पैरामीशियम का निर्माण होगा। ये सब प्रोसेस किसमें है तुम्हारा, पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन में, कंजुगेशन में ये सब प्रोसेस पूरा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आपको हमने पूरा पैरामीशियम का मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका कौन सा होगा।
पैरामीशियम खत्म हो गया, यानी कि हमारा प्रोटोजोआ खत्म हो गया, पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।